हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सीएसएमए सीडी के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो आपके गेट, यूजीसी, नेट, इसरो ऐसे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने पहले टॉपिक को समझ चुके हैं, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक समझना, साथ ही साथ अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का जो क्लियरेंस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक रिलेटेड जो हम लोगों का डाउट है वो सब पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके गेट, यूजीसी, नेट या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक नेटवर्क है जिसमें डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसका बैंडविड्थ है 80 × 10⁹ बिट पर सेकेंड। ये 9 थोड़ा नीचे हो गया, ये ऊपर में होगा, 10⁹ होगा बिट्स पर सेकेंड। इट से सी एस एम ए सी डी इन द मैक लेयर, यहाँ पर बोल दिया गया है ये सी एस एम ए सी डी है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम सिग्नल प्रोपगेशन टाइम फ्रॉम द नोड अनदर नोड इज 10 नैनो सेकेंड। यहाँ पर देखिए बिट्स पर सेकेंड दिया गया है, यहाँ पर नैनो सेकेंड दिया गया है। ये हम लोगों को जब भी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दिया गया है बिट्स पर सेकेंड, यहाँ पर नैनो सेकेंड दिया गया है। यहाँ पर सेकेंड को हम लोग नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे या फिर नैनो सेकेंड को बिट्स सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ही हम लोगों के लिए ईजी होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अभी क्या निकालना है, मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम मतलब इन बाइट्स। देखिए यहाँ पर बाइट्स दिया गया है, मतलब इट्स बिट्स को हम लोगों को बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख सी एस एम ए सी डी को यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू मैसेज लेंथ डिवाइड बाई बैंडविड्थ। ओके, हम लोगों को निकालना है मैसेज लेंथ एंड बैंडविड्थ हम लोगों के पास है। अभी ट्रांसमिशन टाइम के साथ प्रोपगेशन टाइम का एक रिलेशन है, वो क्या है, ट्रांसमिशन टाइम्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × प्रोपगेशन टाइम, राइट। यहाँ पर देखिए प्रोपगेशन टाइम हम लोगों के दिया गया है, तो अलग से प्रोपगेशन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी ये हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो दिखाती हूँ। देखिए ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू मैसेज लेंथ को हम लोग एक्स मान लेते हैं डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ये जो बी है ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 80 × 10⁹ बिट पर सेकेंड। तो इसको अगर हम लोग नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10⁹, क्योंकि एक नैनो सेकेंड में हम लोग अगर माइक्रो सेकेंड होगा तो 10⁶ से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइक्रो सेकेंड आएगा, और नैनो सेकेंड आएगा तो फिर अलग से और 3 ऐड हो जाएंगे, 10⁹ नैनो सेकेंड होगा। तो इसलिए हम लोग 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये नैनो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 80 नैनो सेकेंड। अभी हम लोग लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई 80 > 2 × 100 नैनो सेकेंड। तो एक्स इक्वल टू आएगा 2 × 80 × 100 नैनो सेकेंड को भूलना मत। तो रिजल्ट आएगा 16000 नैनो सेकेंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बिट्स, ओके 16000 बिट्स हम लोगों के पास आएगा। इट्स बिट्स को हम लोगों को अभी बाइट में कन्वर्ट करना होगा, 1 बिट मतलब 8 बाइट, राइट। तो अभी इसको 16000 को 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बाइट्स में आ जाएगा, तो अभी आंसर आएगा 200 बाइट्स। तो आंसर होगा हमारा 200।
देखिए बहुत ही सिंपल है, कितने आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ओनली 2000 बाइट्स ये इसका आंसर होगा। कितना इजी है, अगर हम लोगों को ये मालूम नहीं होता ट्रांसमिशन टाइम क्या है, बैंडविड्थ क्या है, या फिर ट्रांसमिशन टाइम के साथ प्रोपेगेशन टाइम का जो रिलेशन है वो अगर हम लोगों को मालूम नहीं होता तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही टाइम लगता। गेट में हम लोगों के पास तो इतना टाइम अप्रॉक्स 2 to 3 मिनट्स हम लोगों के पास आ ही जाता है ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट नेट में हम लोगों के पास 30 सेकेंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो हम लोगों को हर टाइम कोशिश यही करना पड़ेगा कि कितने इजी वे से और बहुत इजीली हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए बिट्स एंड बाइट्स का कोई जो लिंक है उसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस गेट में आता ही है, अभी गेट के साथ साथ यूजीसी नेट पे या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको उसमें भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना होगा, बिट्स बाइट्स दिया, बिट्स या फिर बाइट्स क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साथ ही साथ उसका जो आंसर है उसको कौन से फॉर्म में आएगा। यहाँ पर देखिए बाइट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस का आंसर निकालना होगा, तो हम लोगों ने इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ इसमें जो टाइम है वो सेकेंड में है, माइक्रो सेकेंड में है या मिली सेकेंड में है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर देखिए मैसेज लेंथ इसलिए ये बिट्स हो गया क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बिट्स पर सेकंड लिया है, तो ये बिट्स में होगा, तो बिट्स को हम लोग बाइट में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।